हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़। आई एम योर इंग्लिश टीचर राहुल मिश्रा। टुडे आई एम हियर विथ योर इंग्लिश रीडर बुक फॉर क्लास थर्ड। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डू वेरी गुड एट योर होम एंड योर स्टडी इज गोइंग वेरी गुड विथ योर ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज द होमवर्क यू आर गेटिंग फ्रॉम योर स्कूल यू आर ऑल्सो डूइंग ऑन ए रेगुलर वे। ओके, सो टुडे with our book, let's start that what we are going to learn. Okay, so this is our book and everyone will come with your book and a pencil with yourself. Okay, so the first chapter is here, the sparrows. As you know that we have done this chapter with their complete exercises, chapter number 2, the fox and cock. We have done this chapter also, okay, with their exercise. And in our previous classes, we were reading the chapter number 3. As you know that we have done this chapter reading, their world meaning, question answers, and we were working on the fill in the blanks. As well as I asked you for homework to the fill in the blanks from 5 to 10. So let's start our homework and after that we will continue with our exercise. Okay. So I hope all of you would have done your homework. So let's match. If you would have done, otherwise you just revise it. Okay, so चलिए यहाँ पे number 5 है हमारा, the house boats floating in the lakes of Kashmir look very charming. Okay, तो and number 6, the red Indians set up their tents. रेड इंडियंस अपना टेंट बनाते हैं वेयर एवर दे गो, जहां वे जाते हैं. ओके, एंड नंबर 7, पीपल बर्न लैम्प इनसाइड द हट्स ऑल द टाइम टू कीप देम वार्म. ओके, एंड नंबर 8, दे यूज थिन वुड टू मेक देयर आउटर वॉल एंड पेपर टू मेक द इनसाइड वॉल्स. ओके बच्चों, एंड नंबर 9 है, द पीपल आर रफ एंड आर ऑलवेज fighting with one another. Okay, so next होगा हमारा number 10, with the development of housing culture, the living style of the people has also been changed. Okay, so now the next exercise here, that is choose the correct answer of the following. हमें यहाँ sentence के राइट ऑप्शन को चूज करना है. ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, व्हाट डज ए स्वीट होम गिव्स अस. सो पहला है, ए स्वीट होम गिव्स अस कंफर्ट, पीस एंड शेल्टर. अ स्वीट होम गिव्स अस फूड. अ स्वीट होम गिव्स अस मिल्क एंड टी. एंड अ स्वीट होम गिव्स अस पेरेंट्स. सो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा. ओके, अ स्वीट होम गिव्स अस कंफर्ट, पीस एंड शेल्टर. ओके, नेक्स्ट है हमारा, हु यूज थिन वुड टू मेक द आउटर वॉल्स एंड पेपर टू मेक द इनसाइड वॉल्स. सो हमारे ऑप्शंस हैं, रेड इंडियन, इंडियन, जापानीज एंड चाइनीज. सो जापानीज इज अवर राइट ऑप्शन, दैट इज सी. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, हु लुक वेरी चार्मिंग, द हाउस बोट्स फ्लोटिंग इन द लेक्स ऑफ कश्मीर, द ताजमहल इन आगरा, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, आईफिल टावर इन फ्रांस. सो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द हाउस बोट्स फ्लोटिंग इन द लेक्स ऑफ कश्मीर. ओके, वेरी गुड, वी हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. नाउ द एक्सरसाइज नंबर इज डी. एक्सरसाइज नंबर डी इज, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टू होम. हमें यहाँ पे बच्चों कॉलम ए में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हें हमें रीड करना है. उसके बाद हमें कॉलम बी एंड कॉलम सी में हु सेड टू होम फिलअप करना है. ओके, कॉलम बी में हमें लिखना है हु सेड, कॉलम बी में टू होम, किसने कहा, किससे कहा. ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है यह बच्चों, एवरी वन कॉल्स हिज हाउस एज स्वीट होम. ओके, सो ये स्टेटमेंट हमारा बताया गया है, किसके द्वारा कहा गया है, राइटर के द्वारा, और किससे कहा है, टू अस, वो हमें बता रहे हैं. ओके, ये स्टेटमेंट उन्होंने हमसे कहा है. नंबर 2, इन इंग्लैंड सम फिशरमैन लिविंग इन फ्लोटिंग हाउस.
तो सेम होगा हमारा, ये स्टेटमेंट भी राइटर के द्वारा ही बताया गया है। और किससे बताया गया है, किससे कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है, ओके, बिकॉज वी आर रीडिंग द बुक, ओके। देयर इज नो अनदर पोजिशन इन द चैप्टर, ओनली द राइटर इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स, ओके।